हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो यार जिस तरह का रिस्पांस उस पर्टिकुलर वीडियो पे मिला है, मतलब मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि वीडियो इस कदर वायरल हो जाएगी। तो मतलब बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल कि जिस तरह का रिस्पांस सच में उस पर आया है वो काबिले तारीफ़ है। मतलब मैं तो उम्मीद कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना 2000-3000 व्यूज़ जाएंगे, वो भी 2 या 3 महीने के अंदर अंदर, एंड वो भी हार्डली सोचा था मैंने। बट फॉर्चुनेटली इतना वायरल हुआ कि 5000-6000 प्रोजेक्टेड 10000 टाइप दिखा रहा था। सो यार उसके लिए तो पहली बार सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच। आई मीन इट वॉज अमेजिंग, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को वो वीडियो हटाना पड़ा। कुछ प्राइवेसी इश्यूज हैं और कुछ कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी था, अगर नहीं करता तो मे बी शायद ये अभय के लिए ठीक नहीं होता। तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द सेम। बट एनी वेज, यहाँ पे अपने चैनल पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लाते रहूँगा, स्पेशली इससे रिलेटेड, जो नेशनल डिफेंस अकेडमी एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड। बस ये वीडियो, कुछ कमेंट्स आए थे जो मैंने पढ़े थे, उनका आंसर मैं नहीं दे पाया और कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं कर पाया। बट एनीवेज उन क्वेश्चंस को एड्रेस मैं करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। और बेसिकली ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं बताऊँगा अपनी रिटन की स्ट्रैटेजी, बिकॉज़ ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं खास करके इंडिया का जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें मेरी आई वुड से एक्सपर्टीज है, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम निकाला है 4 बार लगातार। तो आई थिंक मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं शायद ये बता सकता हूँ कि इस एग्ज़ाम को, खास करके रिटर्न को निकालने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए जिससे कि नेशनल डिफेंस अकेडमी का रिटर्न एग्ज़ाम निकल जाए। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो यार इस एग्ज़ाम के नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा कि कितने नेगेटिव मार्किंग होते हैं, क्या कैसे होता है, वो मैं सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको पता होगा कि क्या है। नहीं पता तो एक बार पता लगा लीजिए फिर ये वीडियो देखिएगा। दूसरी चीज़ ये कि स्ट्रेट अवे मैं मुद्दे पे आता हूँ। इस एग्ज़ाम में पहली बात तो 2 पेपर होते हैं, ढाई ढाई घंटे के। पहले शायद 3 घंटे के हुआ करते थे लेकिन अब 2.5 घंटे के होते हैं। और पहला पेपर होता है मैथ्स का। अब जो मैथ्स का पेपर होता है उसको मैट बोलते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट। और इस पेपर में बेसिकली 120 क्वेश्चंस आते हैं। ये 120 क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास 11th और क्लास 12th एनसीईआरटी पे मैथ्स पे बेसिस पे क्वेश्चंस यूपीएससी बना के भेजती है। अब मैं बात करता हूँ कि इस मैथ्स को कैसे टैकल करना है। सो बेसिकली आई वुड से ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे से कितने सारे बच्चों ने बार बार पूछा कमेंट्स में, कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी पूछा, जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं 12th के उन्होंने भी पूछा। हर एक को कमेंट करके बताना मुश्किल था, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना देता हूँ। सो बेसिकली मैथ्स को टैकल करने के लिए तो पहली बात एनसीईआरटी को सॉल्व करना जुडिशियसली। आई वुड से क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी मैथ्स है वो तो मैं कहूँगा कि वो बेसिक चीज़ है जिससे मतलब एक आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी मैथ्स। तो क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथ्स ख़त्म कर लेना एक दो बार बना करके अच्छे से। उसके बाद आई वुड से इसके बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम रेफरेंस बुक्स उठा सकते हो, दो आई वुड नॉट से इट्स मैंडेटरी, बट स्टिल यू कैन पिक अप अ फ्यू रेफरेंस बुक्स। लाइक आई यूज टू कंसल्ट RS अग्रवाल्स मैथ्स, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स। उसके अलावा अगर मैं आर एस अग्रवाल मैथ्स की बात करूं तो खास करके जो NDA वाली मैथ्स है, RS अग्रवाल NDA मैथ्स है उनसे, वो एक ऐसी किताब है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा डीप है और एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उसमें और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। RS अग्रवाल NDA मैथ्स जो है काफ़ी अच्छी किताब है आई वुड से, क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि 11th और 12th की NCERT मैथ सॉल्व करने के बाद भी मुझे लगता था कि शायद और थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए,
तो आई यूज़ टू कंसल्ट आर एस अग्रवाल एनडीए मैथ्स, तो अगर कोई चाहे तो वो किताब खरीद सकता है. उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो तो तुम एक बार सॉल्व करोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा कि एग्ज़ाम में आता क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस साल कौन से वाले एनडीए में वन या टू में किस तरह के क्वेश्चन आए, किसका वेटेज ज़्यादा था. तो उसके लिए आई वुड से कंसल्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. अच्छा, साइमल्टेनियसली यू कैन ऑल्सो सॉल्व अ फ्यू सैम्पल पेपर्स, आई वुड नॉट से अ फ्यू, सॉल्व एज मच एज यू कैन इन ऑर्डर टू गेन क्लैरिटी ओवर द नेचर ऑफ दिस एग्जामिनेशन. सैम्पल पेपर्स हैं कुछ साइट्स जहाँ से तुम्हें मिल जाएंगी, गूगल पे सर्च करना, वो रिकमेंडेशन देंगी, उनमें से देख के पता कर लेना और डाउनलोड करके बेसिकली सॉल्व करना शुरू कर देना. इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, सैम्पल पेपर सॉल्व करना. अच्छा, अब स्ट्रैटेजी पे आता हूँ मैं. इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज लगभग हर बार ज़्यादा होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वुड से कुछ चैप्टर्स हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, जो कि ईजी होता है लेकिन कुछ कैंडिडेट्स छोड़ के जाते हैं, और इनके क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं कि आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो. पेन, आई वुड से पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू विल जस्ट सी द आंसर इन इटसेल्फ. सो इन चैप्टर्स को मिस मत करना. मैं बता रहा हूँ, इनलाइन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, 3D ज्योमेट्री थोड़ा सा लाइक पर्सनली मेरे लिए थोड़ा टफ था, बट इसको सॉल्व करके जाना. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं. ट्रिग्नोमेट्री मत मिस करना, बहुत ईजी होता है, सॉल्व करके जाना जितने क्वेश्चंस बना पाओ. फ्रॉम माई पार्ट पर्सनली, इफ़ यू आस्क मी, आई वुड से ट्रिग्नोमेट्री वॉज द बेस्ट पार्ट. इट वॉज इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम फन टू सॉल्व. द क्वेश्चंस वर अमेजिंग एंड ईजी टू सॉल्व. लाइक कोशिश करना उसको सॉल्व करके जाने की. मेट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स ईजी होता है, सॉल्व करके जाना. तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने मतलब आपको मोटा मोटा बता दिया, इनको सॉल्व करके जाओ. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, खुद की स्ट्रैटेजी बनाना, बिकॉज मैंने तो खुद की स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैं किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करता था. जब मैंने खुद बनाना शुरू किया, खुद से चीज़ों को ग्रास्प करना शुरू किया, तब जा करके मेरा पेपर निकला. तो आई वुड से खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ. सेल्फ नोट्स बनाना, एक फार्मूला हैंडबुक रखना. फार्मूला हैंडबुक इन द सेंस खुद की फार्मूला हैंडबुक, कि ओके ये फार्मूलाज हैं, तो तुमने लिख लिया, एक पर्टिकुलर नोटबुक ही डेडिकेट कर दिया उस चीज के लिए. हर चैप्टर से तुमने मतलब फार्मूलाज नोट डाउन करके एक पूरा फार्मूला हैंडबुक तैयार कर लिया, जो कि हैंडी होता है एट द लास्ट मोमेंट. तो वो करके जाना, आई वुड से वो बहुत अच्छी चीज़ है. लास्ट मोमेंट में तुम्हें खुद ही लगेगा कि अब मेरे को एक बार जैसे थोरो रिविजन करना है, तो उस फार्मूला हैंडबुक को देख लिया. टिप्स पर तुम्हें फार्मूलाज याद रहेंगे एंड इट विल हेल्प यू बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आई वुड से. तो वो चीज़ करके रखना. तो और हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग स्कीम क्या है, उसका पता लगा लेना एक बार अच्छे से. तुम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के एनडीए का जो सर्कुलर आता है यूपीएससी की तरफ से, उसको जाकर के पढ़ना. मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं मे बी शायद लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना तुम एक बार, चेकआउट करना कि एग्जैक्टली नेगेटिव मार्किंग स्कीम है क्या, क्योंकि कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट्स इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इज इट 0.83 और -1.33. तो वो तुम एक बार चेक कर लेना. तो ये था एनडीए मैथ्स के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिया. अब आते हैं गैट पोर्शन पे, बेसिकली सेकंड पेपर जो होता है. अब सेकंड पेपर का सीन ये है कि इसको बोलते हैं पहले तो जनरल एबिलिटी टेस्ट, गैट. अब जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि अगेन दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी. पार्ट ए में प्रॉपर इंग्लिश होती है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, और पार्ट बी में होती है जनरल साइंस, जो जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सब होते हैं. टोटल इसमें पार्ट बी में 100 क्वेश्चंस होते हैं, और ओवरऑल जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है उसमें होते हैं 150 क्वेश्चंस. अब 150 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट में. पहले मैं बात करता हूँ पार्ट ए इंग्लिश के लिए. जो इंग्लिश का पेपर होता है, आई वुड से फेयरली ईजी होता है और बहुत स्कोरिंग होता है, अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की इंग्लिश बेयर मिनिमम भी ठीक ठाक है, तो थोड़ी मेहनत के साथ वो निकाल सकते हैं.
तो इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है जो कि काफ़ी स्कोरिंग है और काफ़ी मार्क्स उठते हैं. तो 50 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में. पर्सनली मैं इंग्लिश की तैयारी नहीं करके जाता था. मतलब मेरी इंग्लिश कंसिडरेबली अच्छी थी बचपन से. बचपन से भी नहीं कहूँगा, एट्थ के बाद से इट कंसिडरेबली इम्प्रूव. सो आई वुड से कि बट स्टिल अगर सजेशन देना होगा मुझे इंग्लिश के लिए तो देर आर अ फ्यू चैनल्स जो कि तुम देख सकते हो. काफ़ी सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब पे सर्च करना एक बार, मिल जाएंगे. तो एक अमैलगम रखना सारे चैनल का कि ओके थोड़ा इससे पढ़ लिया, थोड़ा इससे पढ़ लिया, थोड़ा इससे पढ़ लिया. जहाँ लगा कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं तो जस्ट नोट डाउन. एंड आई वुड से कि वन लाइनर नोटबुक मेंटेन करके चलना, खुद के नोट्स बनाना. मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, सेल्फ नोट्स इज़ वेरी क्रिटिकल एंड कम्स हैंडी इन द लास्ट मोमेंट. सो उसके अलावा ये तो था इंग्लिश के बारे में. इंग्लिश का बेसिक जो सिलेबस होता है वो UPSC NDA के सर्कुलर में एक बार पढ़ लेना क्या क्या आता है. मोस्टली पांच चीज़ें आती हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, एंड देन एरर डिटेक्शन बोलते हैं. सेंटेंस दिया रहेगा उसमें हमें एरर फाइंड करना होगा उनके पार्ट्स में. ये तीन चीज़ें हो गई. एंड देन हाँ, idioms एंड phrases. तो कुछ idioms दिए रहते हैं और उनके मीनिंग्स रहती हैं, वो हमें पता करना होता है कि एग्जैक्टली क्या है इसका मतलब. ओके, एंड देन होती है पैराफ्रेजिंग. लाइक कुछ सेंटेंस रहेगा जम्बल्ड करके और उसको हमें अनजम्बल करके एग्जैक्ट जो सेंटेंस है वो बनाना है और बताना है कि एग्जैक्टली क्या है. चार ऑप्शंस दिए रहे. तो ये मतलब मैंने आपको प्रिसाइजली बता दिया कि एग्जैक्टली इंग्लिश के पेपर में आता क्या है. ये था हमारा पार्ट ए. 50 क्वेश्चंस काफ़ी स्कोरिंग होता है, थोड़ी मेहनत के साथ अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. अब मैं बात करूँगा सेकेंड पार्ट की, पार्ट बी जनरल साइंस, जिसमें बेसिकली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड देन साइंस में हो गया तुमको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और करंट अफेयर्स. ये सारी चीज़ें आती हैं. इसको आई वुड से इसके लिए तो प्रॉपर नोटबुक बनाओ क्योंकि वो हेल्प करेगा. एंड काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, सर्च करना. मैं नाम तो नहीं बोलूँगा बट सर्च करना एक बार तो काफ़ी सारे चैनल मिलेंगे. बिकॉज मैंने किसी एक चैनल पे फोकस कभी किया ही नहीं, तो वो तुम देख सकते हो. बट लास्ट मोमेंट पे जो काम आएगा वो तुम्हारे सेल्फ नोट्स ही काम आएंगे. करंट अफेयर्स के लिए तो तुम यूट्यूब चैनल भर भर के देखो, वो काफ़ी सारे अच्छे चैनल्स हैं, वो तुम्हें बताएंगे कैसे करना है. और नोट डाउन करते जाना, वन लाइनर मेंटेन करना. वन लाइनर बेसिकली वो होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इंडोनेशिया का कैपिटल नुसांतरा अभी चेंज हुआ था. पहले जकार्ता हुआ करता था, अब नुसांतरा हो गया. तो ये अगर ये मुझे लिखना होता तो मैं ऐसे नोटबुक में लिख लेता कि द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज नुसांतरा फुल स्टॉप. तो ये वन लाइनर एक मैंने मेंटेन किया. ऐसे करके मैं वन लाइनर मेंटेन करता जाता था करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली. तो करंट अफेयर्स में तुम ये कर सकते हो ऐसे करके. करंट अफेयर्स में तुम न्यूज़ चैनल्स देख सकते हो, अच्छे न्यूज़ चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो जियोपॉलिटिक्स और इन चीज़ों को कवर करते हैं. आई एम नॉट सेइंग दोज बायस्ड चैनल्स, बट आई वुड स्टिल से एंड आई वुड प्रेफर एंड आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स लाइक फॉर एग्जाम्पल वियॉन, विच स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इज़ वन, फर्स्ट पोस्ट एंड देन CNN, BBC. दीज आर सम चैनल्स विच यू कैन वॉच in order to gain clarity over geopolitical issues which will also come handy in your service selection board. इससे बहुत हद तक आपके geopolitics और international relations वाला part cover हो जाता है. military news पढ़ के जाना. military exercises होती हैं जो कि पूछी ही पूछी जाती हैं, तो military exercises का तो एक वो बना लेना, note down कर लेना. उसके अलावा ये तो हो गया current affairs जो मैंने broadly आपको cover कर दिया. current affairs से mostly 10-15 questions आते हैं जो कि डिफ़र करते हैं हर साल NDA के पेपर में. उसके अलावा अब आ जाते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री पे और बायोलॉजी पे. तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बेसिक होती है जो 10th लेवल की आती है, बहुत बेसिक होती हैं. वो तुम NCERT पढ़ोगे तो ही आ जाएगा और कुछ न्यूज़ यूट्यूब चैनल्स देखोगे तो भी तुमको पता चल जाएगा. अगेन मैं कहूँगा नोट्स बनाना फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में. मेरा बायोलॉजी पोर्शन थोड़ा वीक था बट स्टिल क्वेश्चंस इजी होते थे. तो आई वुड नॉट से कि तुम्हें थोड़ा रफ आइडिया भी होगा तो तुम कर ले जाओगे. उसके अलावा अब आते हैं उस पर
हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे और पॉलिटिकल साइंस के पार्ट पे. तो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के लिए एक बुक आती है लूसेंट. ऑल्दो आई वुड स्टिल से कि मैं लूसेंट को इतना भी प्रेफर नहीं करता था, बट वो काफ़ी अच्छी किताब है जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, वो आप प्रेफर कर सकते हो. और उसके अलावा आप अगेन मैं कहूँगा सेल्फ नोट्स, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ सेल्फ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. उसे तो तुम बनाना, वन लाइनर्स मेंटेन करना. हिस्ट्री भी तुम कैटेगराइज करके पढ़ सकते हो, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न. ओके, तो वो आई वुड स्टे से कि उसके लिए नोट्स बनाना एक एक करके. और किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इतना मत घुस जाना कि मतलब उस पर लिखे जा रहे हैं उस पर आपको PhD करने की ज़रूरत नहीं है. ये मेरे ख्याल से बहुत कम लोग बताते हैं, बट आई वुड नॉट से कि एक टॉपिक को लेकर के उस पर पढ़े जा रहे हैं नहीं. उसको एक सर्टेन एक्सटेंट तक पढ़ना जिसमें एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा नहीं. ये स्ट्रैटेजी है पेपर क्लियर करने की. ज्योग्राफी आई वुड से थोड़ी सी टफ लगती थी मुझे, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑल्दो होती है ज्योग्राफी, बट UPSC NDA में जो ज्योग्राफी आती थी वो मुझे थोड़ी बहुत टफ लगती थी. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते थे, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ के जाना. उसके लिए लूसेंट तुम रेफ़र कर सकते हो, और कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ रेफ़र कर सकते हो, YouTube चैनल्स भी रेफ़र कर सकते हो. अब जाते हैं पॉलिटिकल साइंस पे. पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे हिसाब से लूसेंट काफ़ी अच्छी किताब है, तो एक बार उनके पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी वाला सेक्शन ज़रूर रेफ़र करना. एक बार देखना उसमें क्या है, सारे आर्टिकल्स वगैरह से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो सारे आर्टिकल्स एक बार लिख लेना. कुछ ट्रिक्स होती हैं आर्टिकल्स को भी याद करने की, वो भी तुम कर सकते हो. तो एक बार वो सारे सेल्फ नोट्स में इंक्लूड करना. तो बेसिकली ये मैंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया. इकोनॉमिक्स पर्सनली मैं पढ़ के नहीं जाता था, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो मतलब उसके स्टैट्स काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, मुझे याद नहीं रहते थे. तो आई वुड से कि अगर किसी को पढ़ना भी है इकोनॉमिक्स, अगेन लूसेंट की किताब उठाना और उसको एक बार देखना, बढ़िया से पढ़ना, न्यूज़ चैनल्स और यू नो इनके टच में रहना, बिकॉज ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. और मतलब मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी कि किसी भी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बिकॉज फिर वो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा. तो आई वुड सजेस्ट यू कि प्रिपरेशन ऐसे स्ट्रैटेजिकली, अपनी ओन स्ट्रैटेजी बनाना और अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग. मैंने ऐसे ही निकाला NDA का पेपर रिटर्न का. तो आई वुड से कि दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्लियर दी UPSC नेशनल डिफेंस अकेडमी रिटर्न एग्जामिनेशन. मेक योर ओन सेल्फ नोट्स, फार्मूला हैंडबुक, एंड स्ट्रैटेजाइज योर स्टडी प्लान, योर स्टडी रूटीन इन अ वे दैट इट विल फॉस्टर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाना, सैम्पल पेपर्स जितना सॉल्व कर सको उतना करो. रियल टाइम सैम्पल पेपर सॉल्व की बात कर रहा हूँ मैं. अगर तुम बैठते हो 2.5 घंटे मैथ्स का पेपर बनाने के लिए, तो 2.5 घंटे मतलब 2.5 घंटे, उसमें जितने क्वेश्चंस बन गए 2.5 घंटे गैट के मतलब 2.5 घंटे गैट को डिवोट करना है, उसमें जितने क्वेश्चंस बन गए. यही प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैंने अप्रोच किया था नेशनल डिफेंस अकेडमी के रिटर्न एग्जामिनेशन को. मोर ओवर आई वुड से कि खुद का ही प्लान काम आता है एट द एंड ऑफ द डे, किसी और का प्लान काम नहीं आएगा. आप कितना भी सोच लो, कट ऑफ से हमेशा ऊपर ही सोचना, क्योंकि अगर तुम कट ऑफ का टारगेट लेके चलोगे तो उससे नीचे का मार्क्स लाओगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रेंड है कि 350 से 355 के बीच में कट ऑफ रेंज करता है, बट आई वुड से कि 400 प्लस लेके चलो ना प्लान, ताकि नीचे गिरोगे भी तो कितना गिरोगे, 370, 360, 380 ऐसे गिरोगे जो कि कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो पेपर निकलेगा ही निकलेगा. तो हमेशा ऊपर की सोचना, ताकि गिरोगे भी तो कितना ही गिरोगे, कट ऑफ से तो ऊपर ही रहोगे. कट ऑफ की मत सोचना ज़्यादा, डिस्कशन कट ऑफ पे, फालतू की डिस्कशन आई वुड से मत करना, बिकॉज वो काम नहीं आता है. मेरा जो पहला NDA रिटर्न का अटैम्प्ट था, सबसे पहला वाला, वो नहीं निकला था. वो मेरा करीब 13 मार्क्स से रह गया था. मैंने बाद में UPSC की वेबसाइट पे जाकर के मार्कशीट चेक भी करी थी. मैं आपको ऑनेस्ट चीज़ें कुछ बता रहा हूँ. उस वक्त मेरा ये रहता था कि किसी तरह कट ऑफ पार हो जाए, और ये थिंकिंग कहीं ना कहीं मेरे को कट ऑफ के रेंज में ही ले आई. उस वक्त मेरे को 342 मार्क्स था, जबकि कट ऑफ गया था उस साल 355 मार्क्स. मैं आपको यहाँ पे शायद आपको दिख भी रहा होगा कि ये मेरा मार्कशीट है UPSC की तरफ से. एंड तो वही मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ
के बारे में तो सोचो मत, हमेशा कट ऑफ से ऊपर सोचना, 400 प्लस सोचना है एटलीस्ट, कम से कम. तो ये बेसिकली स्टडी प्लान रहता था. उसके अलावा सॉल्व करते रहना ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस पे, कंसिस्टेंसी इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से पेपर निकलेगा. परसिवरेंस से कभी लगेगा, कभी कभी लगेगा कि यार क्या ढाई ढाई घंटे बैठ करके पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, दिन दिन निकल जाएगा इस चक्कर में, लेकिन करना तो है बिकॉज पेपर तो निकालना है. तो आई वुड से कि यही एक तरीका है पेपर निकालने का. एट द एंड ऑफ द डे खुद की स्ट्रैटेजी काम आती है, एज आई हैव सेड अर्लियर. ये बेसिकली मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताई, लेकिन मैं स्टिल सजेस्ट करूँगा कि आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए. आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, उस हिसाब से करिए. पेपर का जो नेचर है उसको समझिए, उसको कॉम्प्रिहेंड करिए कि एग्जैक्टली मांग क्या रहा है. अभी अभी मैंने लेटेस्ट मैंने सुना है कि काफ़ी कम कट ऑफ जा रहे हैं और पेपर का लेवल जो है थोड़ा इंक्रीज हुआ है. लाइक अभी इस कोर्स में मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था, मुझे याद है उसमें 316 कट ऑफ चला गया, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था. मेरे लिए इट वॉज़ अ सरप्राइज. सो पेपर का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए. मैथ्स पर इक्वली फोकस करना, बिकॉज मैथ्स अभी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत टफ आ रही है. आई वुड नॉट से टफ, बट रिलेटिवली हार्डर एज कम्पेयर टू वॉट यूज टू कम इन प्रीवियस NDAs. और अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं कवर करना भूल गया. ट्वेल्थ अपियरिंग में कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो कि पेपर दे रहे होते हैं और उनका क्वेश्चन होता है कि ये पेपर कैसे निकालें ट्वेल्थ अपियरिंग में रहते रहते. तो आई वुड से हाँ, ट्वेल्थ अपियरिंग में मुश्किल होता है, बट स्टिल किसी तरह थोड़ा बहुत आपको स्केड्यूल और सिलेबस से अहेड होना ही पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 3D ज्योमेट्री चल रही है आपके स्कूल में, तो आपको प्रोबेबिलिटी ख़त्म करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर सिलेबस ख़त्म हो जाए और आप साइमल्टेनियसली रहो, ताकि आप बोर्ड्स में भी अच्छा करो और नेशनल डिफेंस अकेडमी के एग्जामिनेशन में भी अच्छा करो. ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ दिया और सिर्फ NDA का ही प्रिपेयर कर रहे, नहीं, हमें साइमल्टेनियसली चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा. दिस इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट. ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एक्चुअली लर्न करी हैं, अपने एक्सपीरियंसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ आप लोगों को. यू कैन, देर आर अ फ्यू टेकअवेज विच यू कैन ऑफकोर्स यू नो पिक अप एंड यू नो यूटिलाइज इन योर ओन स्टडी प्लान. ये कुछ चीज़ें हैं. तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा. एंड आई वुड विश ईच वन ऑफ यू द बेस्ट ऑफ लक एंड कीप हसलिंग. द नेचर ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट, आई नो. दिस इज ओनली द रिटन पार्ट विच आई हैव कवर्ड. सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पार्ट के लिए मैं टिप्स नहीं दे सकता. आई एम इन नो पोजिशन टू गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स बिकॉज आई हैव नॉट क्लियर द इंटरव्यू राउंड. आई एम येट टू लर्न फ्रॉम इट, दो आई हैव अ फ्यू एक्सपीरियंसिस विच आई विल यू नो रिलीज ऑन माई चैनल. जो मिस्टेक्स आई हैव डन, वो तुम आई बटन में देख सकते हो एंड यू कैन चेक आउट हियर. इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं इस तरह का कंटेंट लाता रहता हूँ, बहुत ऑनेस्ट कंटेंट होता है. जो मेरी गलतियाँ हैं मैंने वो आपको बताई हैं, आप उससे बहुत हद तक सीख सकते हो. उसके अलावा आई वुड जस्ट से यार, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हो एस्पिरेंट के साथ करो, लाइक करो. एंड आई वुड एम कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, बिकॉज इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए मुझे बहुत हद तक इनक्रेजमेंट चाहिए होती है. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि यार ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बताना भी थोड़ा सा वो हो जाता है, बिकॉज मेरे लिए भी इट वॉज़ अ काइंड ऑफ अ शॉक, बिकॉज मैं भी पर्टिकुलरली ये प्रॉपर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाया. बट इवन देन आई एम शेयरिंग इट विद यू. सो गाइज, प्लीज़ कंसिडर इट. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट अमंग अदर फेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड लाइक. इफ यू लाइक द वीडियो देन डू, यू कैन ऑल्सो शेयर योर ग्रीवांसेज इन द कमेंट सेक्शन. सर्टनली आई विल सी एंड आंसर टू इट. एंड आई वुड से द बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट आउट देयर हु इज यू नो बर्निंग द मिडनाइट ऑयल इन ऑर्डर टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड इन ऑर्डर टू परस्यू हिज और हर dreams of becoming you know a soldier in the Indian army or a flyer in the Indian Air Force or a sailor or particularly an officer in the Indian Navy. So on that note, thank you so much. This is Ambar Priyraj signing off.